क्या आपके पास भी है Asus Zenfone Max Pro M1 और क्या आप भी अपने फोन में कुछ नए फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं? तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ नया फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताई YouTube पर, कि आप अपने फोन के स्टेटस बार के कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर जानविन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका कलर जो है ये बिल्कुल वाइट है। तो इसको चेंज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एक इमेज की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन सा इमेज है तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ये वाला जो इमेज है इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो आप इसे वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं। यहाँ क्लिक करें थ्री डॉट पे, यूज एज वॉलपेपर, सेट वॉलपेपर होम स्क्रीन, बैक। तो अभी आप देख रहे हैं इसका जो कलर वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है, और यहाँ से आप वॉल्यूम की भी प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक ही निकलेगा, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। तो इसी तरह जो है आप अपने स्टेटस बार के कलर को चेंज कर सकते हैं, और ये Asus Zenfone Max Pro M1 में 100% वर्क करेगा। अदर फोन में मैं ट्राई नहीं किया हूँ, और आप ट्राई कर लें, शायद वर्क कर जाए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी तरह के जेन्युइन वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पर फेक वीडियो नहीं मिलेगी आपको, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आप जेन्युइन न्यूज़ के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।